गुड मॉर्निंग बच्चों, हम समूह क्रमांक 14 के तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने कार्बन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले वाले पीरियड में हमने कार्बन के विषय में प्रारंभिक ज्ञान या प्रारंभिक चर्चा हमने किया है। आइए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कार्बन के बारे में और क्या है कार्बन के बारे में या कार्बन के गुणों के बारे में, उसको विस्तार से चर्चा करते हैं। कार्बन में एक तो श्रृंखलन बनाने का गुण पाया जाता है, श्रृंखलन। श्रृंखलन कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से मिलकर के लंबी खुली या बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसे हम श्रृंखलन का गुण कहते हैं। कार्बन में एक परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से मिलकर के खुली और बंद दोनों प्रकार के श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ये कहलाता है श्रृंखलन। तो इसमें कार्बन में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, श्रृंखलन का गुण। इसके बाद हम आते हैं अपरूपता। अपरूपता किसे कहते हैं? अपरूपता उसको हम पहले समझ लेते हैं। जब कोई तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है और इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं परंतु इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, तत्वों के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। तो कार्बन में अपरूपता का गुण पाया जाता है। परिभाषा एक बार फिर देख लेते हैं। कोई तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। ये अपरूपता की परिभाषा हो गई। इसके बाद देखते हैं कार्बन के कितने अपर रूप हैं। कार्बन के मुख्यतः दो अपर रूप हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। इसको पूरा विस्तार से हम देख लेते हैं। क्रिस्टली और अक्रिस्टली रूप के और कितने कितने रूप हैं इसको हम देख लेते हैं। यह हो गया इनकी परिभाषा। आइए इसको हम श्रृंखला के रूप में देखते हैं। कार्बन के जितने भी अपर रूप होते हैं सबको उसको देख लेते हैं। कार्बन के अपर रूप इनके मुख्यतः दो अपर रूप हैं, एक क्रिस्टली क्रिस्टली और दूसरा है अक्रिस्टली। कार्बन के मुख्य दो अपर रूप हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। अब क्रिस्टली के फिर से दो रूप हैं। ये कौन कौन से दो रूप हैं उसको देख लेते हैं। एक हीरा और ग्रेफाइट। क्रिस्टली कार्बन के रूप के दो रूप,
इसमें एक है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसके बाद में कार्बन के जो अक्रिस्टली रूप हैं इसके तीन रूप पाए जाते हैं, चारकोल, काजल और खनिज कोयला। इसके अक्रिस्टली के तीन रूप चारकोल, काजल खनिज कोयला। ये अक्रिस्टली कार्बन के तीन रूप पाए जाते हैं, चारकोल, काजल और खनिज कोयला। ये इस प्रकार से हैं। उसके बाद में चारकोल के फिर तीन रूप पाए जाते हैं, चारकोल के फिर से तीन रूप पाए जाते हैं। वो तीन रूप कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। एक है कास्ट चारकोल, कास्ट चारकोल। दूसरा है जंतु चारकोल, और तीसरा है शर्करा चारकोल। ये चारकोल के तीन पुनः रूप पाए जाते हैं, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल और शर्करा चारकोल। ये इस प्रकार हैं। इसके बाद में जंतु चारकोल के पुनः दो भाग होते हैं, इसके पुनः दो भाग हैं। एक है अस्थि चारकोल, अस्थि चारकोल, और दूसरा है रक्त चारकोल, रक्त चारकोल। ये इतने रूप पाए जाते हैं इसके। उसके बाद खनिज कोयला के पुनः दो भाग हैं या दो रूप में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से रूप हैं उसको देख लेते हैं। एक है कोक और गैस कार्बन, एक है कोक और इसका दूसरा रूप है गैस कार्बन। गैस कार्बन ये इतने इसके अपर रूप पाए जाते हैं, इसके इतने अपर रूप पाए जाते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कार्बन के अपर रूप। इसके मुख्यतः दो अपर रूप हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। इसमें क्रिस्टली के पुनः दो रूप पाए जाते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, दो रूप पाए जाते हैं। इसके बाद में हम आते हैं कार्बन के अक्रिस्टली रूप में। कार्बन के अक्रिस्टली रूप के तीन रूप पाए जाते हैं, चारकोल, काजल और खनिज कोयला। चारकोल के पुनः तीन रूप पाए जाते हैं, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल और शर्करा चारकोल। इसको नारियल चारकोल भी कहते हैं। इसके बाद में जंतु चारकोल के पुनः दो रूप पाए जाते हैं, अस्थि चारकोल और रक्त चारकोल। इसी प्रकार खनिज कोयला के पुनः दो रूप पाए जाते हैं, वो रूप हैं एक है कोक और गैस कार्बन। ये कार्बन के क्रिस्टली रूप हैं और अक्रिस्टली रूप हैं जिसको कार्बन के अपर रूप कहते हैं। ये उनके विस्तार से इसमें चर्चा की गई। वैसे कार्बन के तीन प्रमुख रूप जो होते हैं, तीन प्रमुख रूप वो अपर रूप पाए जाते हैं। एक हीरा, कार्बन के तीन प्रमुख अपर रूप हैं। वो तीन अपर रूप कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। कार्बन के तीन अपर रूप कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। एक है ग्रेफाइट, हीरा, पहला हीरा है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा है फुलेरीन। ये प्रमुख तीन कार्बन के अपर रूप पाए जाते हैं।
ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कार्बन के तीन प्रमुख अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ये तीन पाए जाते हैं। वैसे कार्बन के सभी अपर रूपों में कार्बन पाया जाता है। कार्बन के जितने भी अपर रूप आप देख रहे हैं यहाँ चार्ट पर, उसके सभी अपर रूपों में कार्बन निश्चित रूप से पाया जाता है। तो यह हो गया कार्बन के अपरूपता के संबंध में। अब आते हैं इसके अपरूपता के बाद में बहुबंध। कार्बन जो है वो अन्य परमाणुओं से बहुबंध बनाने की क्षमता रखता है, उसको देख लेते हैं। कार्बन की बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति, बनाने की प्रवृत्ति। कार्बन परमाणु दूसरे अन्य परमाणुओं से भी बहुबंध बनाने की क्षमता रखता है। कार्बन परमाणु, एक तो ये कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड, कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद में कार्बन ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड, कार्बन सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन परमाणु जो है कार्बन के अलावा अन्य परमाणुओं से भी बहुबंध बनाने की क्षमता रखता है या प्रवृत्ति रखता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, देखिए कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड जिसको एल्कीन कहते हैं, कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड जिसको एल्काइन कहते हैं, ये साइनाइड है, ये कार्बोनिल है, ये सल्फाइड है। ये कार्बन के मध्य जो बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति जो है कार्बन के अलावा अन्य परमाणुओं के साथ भी होता है। इसके बाद हम आते हैं कार्बन का असामान्य व्यवहार, वो कौन से गुण हैं जो 14वें समूह के तत्व से भिन्न होते हैं, वो कौन कौन से गुण हैं उसको देख लेते हैं। इसलिए इसका नाम 14वें समूह में कार्बन परिवार रखा गया है। कार्बन परिवार रखने का मतलब ये होता है हर समूह में प्रथम जो तत्व होता है उसके नाम से उस समूह को रखा जाता है, क्योंकि उस समूह में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो प्रथम तत्व के गुणों से भिन्नता रखते हैं। वो कौन कौन से गुण हैं जिसको हम असामान्य व्यवहार कहते हैं, कार्बन का असामान्य व्यवहार को देख लेते हैं। कार्बन का असामान्य व्यवहार या इसी को असंगत व्यवहार कहते हैं, व्यवहार इसको देख लेते हैं। वो कौन कौन से गुण हैं जो 14वें समूह में पाए जाने वाले अन्य तत्वों के गुणों से कार्बन परमाणु में भिन्न गुण पाया जाता है। पहला गुण, नंबर एक, परमाणु का आकार छोटा होना। दूसरा है उच्च विद्युत ऋणता। तीसरा है उच्च आयनन विभव और चौथा है डी कक्षक की अनुपस्थिति।
ये देखिए, ये वो चार गुण हैं जो इस वर्ग के अन्य तत्वों में नहीं पाए जाते हैं। देखिए, पहले परमाणु का आकार छोटा होना, दूसरा उच्च विद्युत ऋणता पाया जाता है इसमें जो इस वर्ग के अन्य तत्वों में नहीं पाया जाता, उच्च आयनन विभव और डी कक्षक की अनुपस्थिति। तो बच्चों, इसमें ये भी देखना है कि डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि कार्बन में एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन और पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, दोनों कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो है, जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चार इलेक्ट्रॉन जो है मिल करके ये अपने चारों ओर, कार्बन के चारों ओर के परमाणु को समायोजित कर लेते हैं, और इसलिए इसमें चार से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म को जोड़ने की क्षमता इसमें नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कार्बन की संयोजकता चार होती है। जबकि इस वर्ग के अन्य तत्वों में डी कक्षक की उपस्थिति के कारण उसके संयोजकताएँ अधिक होती हैं, लेकिन कार्बन की संयोजकता डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण केवल चार होती है। ये वो गुण हैं जो इस वर्ग के अन्य तत्वों में नहीं पाए जाते लेकिन कार्बन में पाए जाते हैं, ये चार वो गुण हैं। इसके बाद हम देखते हैं कृत्रिम हीरा का बनना। हीरा, अब आइए हम पढ़ते हैं हीरे के बारे में। हीरा, जिसको हम अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं, हीरा, ये हीरा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हीरा हमारे देश में दक्षिण के गोलकुंडा नामक स्थान के खदान से में पाया जाता है, और यहीं से ही दक्षिण के गोलकुंडा नामक खदान से विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है, इन्हीं खदान से निकाला गया है। और संसार में जितने भी हीरे पाए जाते हैं उसका 95% भाग जो है वो दक्षिण अफ्रीका से आता है। हीरे का भारत में हीरा दक्षिण के गोलकुंडा के खदानों में मिलता है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, हीरा गोलकुंडा के खदान से निकाला गया था। गोलकुंडा के खदान से निकाला गया था। विश्व में जितने भी हीरे पाए जाते हैं उसका 95% भाग जितने हीरे पाए जाते हैं उसका 95% भाग दक्षिण अफ्रीका से आयात होता है। अफ्रीका से आयात होता है। ये हो गया हीरे के प्रारंभिक जानकारी के विषय में। अब हम आते हैं कृत्रिम हीरे का बनना। कृत्रिम हीरा कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कृत्रिम हीरे का बनना,
बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कृत्रिम हीरे के बनना। हाँ तो बच्चों हम कृत्रिम हीरे का बनना देख रहे थे, कृत्रिम हीरा कैसे बनाया जाता है उसको देख रहे थे। आइए इसको देख लेते हैं और कृत्रिम हीरा किस प्रकार बनाया जाता है। बनना इसको देख लेते हैं। वैसे कृत्रिम हीरे के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि द्रवित कार्बन पर अधिक दबाव डालने से, द्रवित कार्बन पर अधिक दबाव डालने से उनके हीरे के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसका मत रखा है, लेकिन इसको सर्वप्रथम वोयसा नामक वैज्ञानिक ने कृत्रिम हीरे को बनाया। मोयसा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कृत्रिम हीरे को बनाया। सर्वप्रथम कृत्रिम हीरे को बनाया। कैसे बनाया उसको देख लेते हैं। ये मोयसा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कृत्रिम हीरे का निर्माण किया। किस प्रकार किया उसको देखें। इसमें शुद्ध लोहा शक्कर और कोयले के मिश्रण को एक ग्रेफाइट की प्याली में विद्युत चाप द्वारा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया और गर्म करने के पश्चात में इस ताप पर जो कोयला है वो लोहे में पिघल गया। फिर उसके पश्चात में प्याली को ठंडा किया। ठंडा नहीं किया उसके पश्चात में कोयला लोहे में पिघल गया। फिर इस प्याली में जो पदार्थ है उसको पिघले हुए शीशे में डाला गया, लेड में डाला गया। उसके पश्चात उसको ठंडा किया गया। जैसे ही ठंडा करते हैं तो प्याली में रखा हुआ जो पदार्थ है वो ठोस हो जाता है और आकार उसका बढ़ने लगता है। जैसे ठोस होता है आकार बढ़ने लगता है तो अंदर में जो द्रव का दबाव है वो बढ़ने लगता है। तो अंदर के द्रव का दबाव बढ़ने की वजह से इसमें हमको काले रंग के छोटे छोटे पारदर्शी क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जो कि हीरा कहलाता है। और इसमें जो ग्रेफाइट कोयला है वो ग्रेफाइट में परिवर्तित कर लिया जाता है। बाद में फिर लोहे को और HCl अम्ल को क्रिया करा के इसमें क्रिस्टल और ग्रेफाइट को अलग अलग प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये इसके बनाने की विधि हो गई। इसमें हम शुद्ध लोहा लेते हैं, शुद्ध लोहा शक्कर धन कोयला के मिश्रण को ग्रेफाइट की प्याली में विद्युत चाप द्वारा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया। उसके बाद में इस ताप पर कोयला लोहे में घुल गया। तत्पश्चात प्याली को पिघले
पिघले शीशे यानी लेट में प्रवाहित किया, प्रवाहित किया उसके बाद ठंडा होने पर मिश्रण ठोस होकर आकार में बढ़ने लगा, जिसके पश्चात में जैसे ही आकार में बढ़ता है ठोस हो जाता है तो उसके अंदर का द्रव दबाव पड़ता है, अंदर के द्रव में दबाव पड़ने की वजह से इनके काले रंग के पारदर्शी क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जो कि हीरा होता है और इसमें जो कोयला रहता है बाद में ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। फिर इस मिश्रण को हम लोहा और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा क्रिया कराते हैं तो प्याली में हमको ग्रेफाइट और हीरे के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जो कि कृत्रिम हीरा कहलाता है। और बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कृत्रिम हीरे को कैरेट के द्वारा नापा जाता है और एक कैरेट बराबर होता है, एक कैरेट बराबर होता है इसके मान के हिसाब से एक कैरेट बराबर 0.2053 ग्राम बराबर 3.17 ग्रेन GRAI है। ये इस प्रकार है, ये तो ये हीरे को कैरेट से नापते हैं, एक कैरेट बराबर होता है 0.00253 ग्राम बराबर 3.17 ग्रेन होता है। अब इसके गुणों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से गुण या उपयोग हैं इसके। हीरे अक्रियाशील पदार्थ है, सामान्य ताप और दाब पर ये किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करते, अम्ल क्षारों से भी क्रिया नहीं करते और ये कृत्रिम जवाहरात बनाने के काम में आते हैं, कांच को काटने के काम में आते हैं, चट्टानों को छेद करने के काम में आते हैं और नगों पर पॉलिश करने के लिए भी इसको काम में लाया जाता है। तो ये हो गया कृत्रिम हीरे का बनना, उसके उपयोग के बारे में। अब आगे अध्याय में हम दूसरे और इस समूह की दूसरे अन्य चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।